सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। आज का पंचांग 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 12:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 5:40 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:00 से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, रोजाना की चिंताओं को छोड़कर आज आपने जो मुकाम हासिल किए हुए हैं उनके लिए आभारी बने। अपनी योजनाओं के अच्छे और बुरे दोनों की समीक्षा के बारे में सोचे क्योंकि इनके असफल होने की संभावना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज के दिन अच्छा है। आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह के वित्तीय अटकलों से बचें। आय से ज्यादा खर्चे होने की संभावना है इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। जब तक आप अपनी परेशानियों का कारण अपने भाग्य को मानते हैं तब तक सही मायने में आप अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं पा सकते। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और प्रभावी है जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड़े आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगी। कुछ नजदीकी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे और नई नई जानकारियां भी हासिल होगी। भाग दौड़ के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कामों को निपटाने की कोशिश करें। इससे परिस्थितियां आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होती जाएगी। पिछले समय के बुरे अनुभव का असर दूर होता हुआ नजर आ रहा है और नई उम्मीद के साथ आप नए अवसरों को अपनाने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से जो तकलीफ आपको हुई है वह भी दूर होगी। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। काम की जगह अनुभवी लोगों से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन पर विचार जरूर करें। पार्टनर की नाराजगी दूर होने में वक्त लगेगा लेकिन इसका असर रिलेशनशिप पर नहीं होगा। सेहत से संबंधित उतार चढ़ाव को नजरअंदाज ना करें। विदेश से चल रहा काम झटका दे सकता है। दूर की कारोबारी यात्रा आगे पर रखें। अपने आवेग पर पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखें। अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पर्याप्त रूप से नरम रखें। ब्लड प्रेशर के मामलों में विशेष सावधानी भी बरतें। इच्छाएं बढ़ी रह सकती है, इन्हें पूरी करने के लिए धन संयमित होकर खर्च करें। किसी विशिष्ट व्यक्ति से भेंट हो सकती है या भेंट आगे जाकर लाभ दे सकती है। किसी से आस के अनुरूप सहयोग नहीं मिलता है तो निराश ना हो। न्यूरोसर्जन के लिए समय तुलनात्मक रूप से अच्छा है। बेरोजगारों को नौकरी संबंधित दिए साक्षात्कार के मामलों में खुशी मिल सकती है। मीडिया की महिला प्रोड्यूसरों को अच्छा अवसर मिल सकता है। लोगों से किए वादे निभाने में कसर ना छोड़े। तनाव की अधिकता से बचें। भारी कृषि उपकरण निर्माता कंपनियां काम को विस्तार दे सकती हैं। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। परिवार के लिए खास खरीद
कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित सावधानी बरतें, सावधानियाँ योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करते चलें। यह भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल भी सकते हैं, इसीलिए योजना बनाने के साथ साथ क्रियान्वित भी करते जाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपने प्रेम भरे जीवन से खुश हैं, किंतु इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नया ट्राई करें, अपने लुक को बदलें या अपने साथी के लिए उसका पसंदीदा डिश बनाएं। कई बार एक फूल वो काम कर जाता है जो महंगे उपहार भी नहीं कर पाते। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है, पैसों के मामलों को प्राथमिकता ना दें। अपने या किसी अन्य के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ा विचार करें। प्यार का इजहार एकदम करने की जगह धीरे धीरे से इस रास्ते की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्ती से शुरुआत करके आप जल्दी ही मंजिल को पाएंगी। आप अपने संबंध को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं, खुद को थोड़ा हल्का करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। एक बार जब आप सब चीजों और बातों के दोहरे अर्थ ढूंढने से खुद को रोकना सीख जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका संबंध बहुत मजबूत है और आपको भी कभी कभी अधिक ना सोचते हुए खुद को मुक्त रखकर मजे लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। असमंजस्य की स्थिति में जीवन साथी तथा परिजनों की सलाह अवश्य लें। निश्चित है आपको उचित सलाह मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। बात करते हैं करियर की। दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस समय आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपकी यही लगन सफलता व तरक्की का मूल मंत्र है। अपने मिजाज को नम्र रखें और अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार धन और सम्मान दोनों को नष्ट कर देता है। आज आपका अधिकांश समय धन के मामलों में व्यतीत होगा। आप नए वित्तीय निवेशों और अनुमानों में शामिल हो सकते हैं। नए कार्य को करने से पहले उसका अच्छे से अध्ययन करें ताकि कोई परेशानी ना हो। नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से सलाह लें, जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी में इसकी जांच करें। आपको नौकरी के संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है। यह निवेश के किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज के दिन सौदे के लिए अनुकूल है। व्यवसाय गतिविधियों में आ रही परेशानियों को धैर्य से सुलझाएं। तनाव लेना इसका हल नहीं है। अगर कर्ज लेने जैसी स्थिति बन रही है तो अपनी क्षमता का जरूर ध्यान रखें। मार्केटिंग यात्रा संबंधित प्रोग्राम स्थगित रखें। छोटी सी बात पर वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। बात करते हैं सेहत की। खान पान हल्का रखें। गले से संबंधित इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस होने पर तुरंत इलाज लें। आपको यह बात बहुत ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। आज स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास कक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तैराकी या पानी संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप विशेष लाभकारी होंगे। अगर आप आज स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावनाएं अधिक होगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों की सहायता करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।